हेलो स्टूडेंट टेक आउट योर एसएस बुक ओपन पेज नंबर सिक्सटी वन वॉलकैनो मींस मीन्स ज्वालामुखी वेन द मैगमा अंडर द अर्थ क्रस स्पिल ओवर ऑन इट सरफेस इट इज़ कॉल्ड वॉलैनो अरप्शन जब क्या होता है मैग्मा जो होता है वो धरती से बाहर निकल आता है अर्थ के अंदर मैग्मा है वो बाहर निकल आता है तो उसको हम कहते हैं वॉलिक इरप्शन मतलब वॉलिक विस्फोट इरप्शन मतलब विस्फोट द मैग्मा डेट कम आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा और जो मैग्मा अर्थ से बाहर नि, निकलता है उसको हम कहते हैं लावा लावा इज़ वेरी हॉट एंड कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स बहुत गर्म होता है और उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इट हैज़ अ कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग डेट कंटेन इन इट वे इतना ज़्यादा गर्म होता है कि कोई भी चीज़ उसके रास्ते पे आती है या जो ठीक है लावा जिनके संपर्क में आता है उसको बिल्कुल क्या कर देता है जला देता है डिस्ट्रॉय कर देता है वन लावा कूल डाउन इट फॉर्म हिल्स एंड द ओपनिंग ऑफ द हिल्स इज़ नोन नोन एज क्रेटर्स जब क्या होता है लावा ठंडा हो जाता है तो पहाड़ जैसा बना देता है एक छोटा सा हिल बना देता है और उस हिल के बीच में क्या होता है एक होल होता है छेद होता है जिसको कहते हैं क्रेटर्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्किन वॉल्किनो कितने प्रकार के हैं थ्री टाइप्स के वॉलिनों हैं एक्सटेंट वॉल्किनों आर डेड एक्सटेंट वॉल्किनों को हम क्या कहते हैं डेड वॉल्किनो कहते हैं दे आर दोज विच हैज नॉट एडेप्टेड फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स एंड विल नाट अरप इन फ्यूचर ऐसे वेलकनो वॉलो जो सौ साल से पहले आए थे सौ साल तक अब तक वापस से रप नहीं हुए वापस से उनका विस्फोट नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा फ्यूचर में भी नहीं होगा उनको हम बोलते हैं डेड वेल्कनो या एक्सटेंट वॉल्कनोज इसका एक एग्जांपल एक है माउंट कैली मंजैरियो तनाज़ अफ्रीका तनाज़ा अफ्रीका में एक शहर है वहाँ पर जो है वालकिनो है जिसका नाम है माउंट कैली मोरजारो वो क्या है एक्सेंट वॉलकिनो है मतलब वो सौ साल हो गए अब तक वो सौ सालों में अब नहीं हुआ पहले होता था और आगे भी नहीं होगा नेक्स्ट वॉल्कनो इज डोरमेंट वेल वॉल्कनो आर दोज वॉल्कनो विच हैज़ नॉट इरप्टेड फ्रॉम मैनी ईयर्स बट मे इन फ्यूचर बहुत सालों से वो वरप्शन नहीं हुआ उनका विस्फोट नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इस टाइप के वॉलनों के कहते हैं डोरमेंट वॉलकिनो और इसका एक एग्ज़ाम्पल है माउंट फोजियामा इन जापान माउंट फ्योजियामा इन जापान जापान का माउंट फ्योजामा एक ऐसा वॉल्कनो है जो बहुत सालों से एरप्ट नहीं हुआ लेकिन कभी भी होश हो सकता है एक्टिव वॉल्कि आर दोस्ट विच आर एक्टिव एंड लाइकली टू इरप्ट इन नियर फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल माउंट एटना इन इटली जो क्या होते हैं बार बार वॉलकिनो आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे उस टाइप को उस टाइप के वॉलिनों को बोलते हैं एक्टिव वॉल्किनों जैसा कि इटली में है माउंट एटाना अब जब वॉल्किन आते हैं जहाँ पर वहाँ के लिए क्या प्रिकॉशंस है क्या सावधानियाँ हैं इन केस ऑफ वॉल्केकेनिक इप्शन वी शुड बी अवे फ्रॉम इट सो डैट हॉट मोल्टन लावा डज नॉट हामस जब वॉल्केकिनो इरप्ट होता है तो हमें वहाँ से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि वो गर्म गर्म जो लावा गिरता है वो हमें क्या पहुँचा सकता है नुकसान तो उसके बचने के लिए हमें उससे दूर हो जाना चाहिए फिशरमैन शुड बी अवे फ्राम द सी इफ़ वॉल्केकैनिस इरप्शन ओकर और जब वॉलकिनो इरप्शन होता है तो फ़िशरमैन को समुद्र से दूर चले जाना चाहिए क्योंकि वालकिनों का लावा जो है जब समुद्र में जाएगा तो वो क्या कर सकता है फ़िशरमैन को हार्म पहुंचा सकता है द नोन साइड ऑफ रीसेंट वॉलकनिक एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड फॉर हैबिटेशन हैबिटेशन मतलब होता है बसने के लिए जहाँ पता है कि बार बार वॉलकनो आते हैं वहाँ पर बसना रहना नहीं चाहिए वहाँ हैबिटेट नहीं करना चाहिए नेक्स्ट इज सुनामी सुनामी इज ए जैपनीज टर्म मीनिंग हार्बर वेव्स सुनामी क्या है जापान का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हार्बर वेव्स हार्बर मतलब होती है तट की वेव्स इट इज ऑल्सो नोन एज टाइडल वेव और उसको क्या कहते हैं टाइडल वेव्स भी कहते हैं इट ऑकर डीप अंडर द सी एज वॉल्किनो एरपसन एंड वैन इट रीच द लैंड इट लुक लाइक अ जान्ट ऑफ वाटर और ये कब होती है क्यों क्यों आता है सुनामी जब पानी के अंदर समुद्र के अंदर क्या आता है बाल्केनिक एरोप्शन होता है कि भूकंप आने आता है समुद्र के अंदर तो पानी जो है वो क्या होता है बहुत भयानक तरीके से पानी उठता है ऊँचे और इट राइज अबाउट टेन टू तो फिफ्टीन मीटर हाई अबो द सरफेस इट इज़ सो तो पावरफुल डैट इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग डैट कम इन इट्स पाथ तो जब वहाँ वॉलकन आता है समुद्र के अंदर तो पानी बहुत ऊँचाई से टेन टू फिफ्टीन मीटर ऊंचा उठता है और बहुत ही पावर के साथ इतनी पावरफुल होता है कि जो भी चीज़ उसके रास्ते में आती है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है नष्ट कर देता है सुमा सुनामी इज सिमिलर टू डेट ऑफ फ्लड एज इट इज़ फ्लड विद ए ग्रेट हाइट अगर देखा जाए सुनामी एक फ्लड जैसा ही है लेकिन बहुत ऊंची ऊंची टाइट्स उठती हैं इसमें लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं तो ये बहुत ऊंचाई वाले फ्लड है कि ऊंची-ऊंची लहर उठ के पानी आगे बढ़ता है सुनामी आर वॉर्न इन एडवांस बाय द सुनामी वार्निंग सिस्टम सुनामी आने से पहले ही क्या होता है सुनामी वार्निंग सिस्टम होता है वो लोगों को अलर्ट कर देता है पीपुल लिविंग नियर द कोस्ट शुड बी इमीडिएटली शिफ्टेड टू हाई ग्राउंड ऑन रिसीविंग अ सुनामिंग वार्निंग सो एज टू बी सेफ और जैसे जो लोग उसके आस पास रहते हैं समुंद्र के तो जैसे उन्हें वार्निंग मिलती है फटाफट ऊँची जगह पे चले जाते हैं अपने को सुरक्षित करने के लिए नेक्स्ट इज ड्रॉट अब ड्रॉट क्या है सूखा ड्रॉट मीन्स स्कैरसिटी ऑफ वाटर पानी की कमी हो जाना कहलाता है ड्रॉट इट इज़ कॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेन जब बारिश कम होती है तो ड्रॉट हो जाता है सूखा पड़ जाता है When आ ड्रॉट हीट इट डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स एज वेल एज लैंड जब सूखा पड़ता है तो क्या होती है उसमें फसलें या तो होती नहीं है और हुई भी हो तो वो भी सूख जाती हैं द लैंड बिकम इनफर्टाइल धरती क्या हो जाती है इनफर्टाइल हो जाती है मतलब उसकी उपजाऊता खत्म हो जाती है एंड नो लॉन्गर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और अब वो फसल को बोने के योग्य नहीं रहती टू प्रिवेंट ड्रॉट वी शुड सेव वाटर फॉर फ्यूचर यूज़ वी शुड स्टोर रेन वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो ड्रॉट से बचने के लिए हमें पानी को सेव करना चाहिए रेन वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए क्या यूज़ करके रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज़ करके पानी को बारिश के पानी को बचा के रखना चाहिए स्टोर करके रखना चाहिए नेक्स्ट इज साइक्लोन साइक्लोन आर ट्रॉपिकल स्ट्रॉम विच कंटेन हाई रोटेटिंग वेन आप साइक्लोन क्या है बहुत तेज़ी से तूफान जिसको कहते हैं वो जब आता है बहुत तेज़ी से हवाएं चलती है तो वो साइक्लोन है साइक्लोन ऑकर ड्यू टू लो प्रेशर सिस्टम टूवर्ड विच विन ट्रैवल एट ग्रेट स्पीड जब लो प्रेशर हो जाता है तो क्या होता है विंड बहुत ही स्पीड से जो है पीछे से जो विंड आती है बहुत ही स्पीड से आती है साइक्लोन ब्रिंग मेजर डिस्ट्रक्शन एज नथिंग कैन सर्वाइव इन द साइक्लोन और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है साइक्लोन जो कुछ भी उसके रास्ते में आता है वो उसको सबको क्या कर लेता है उड़ा ले जाता है समटाइम इट इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय रेन और कभी कभी साइक्लोन के साथ क्या आती है बारिश भी आती है साइक्लोन नॉर्मली अफेक्ट द एरिया नियर द सी लाइक उड़ीसा आंध्र प्रदेश इन तमिलनाडु जर्नली साइक्लोन जो है वो कहाँ आते हैं समुद्र के किराने वाले एरिए में आते हैं जैसे उड़ीसा आंध्रा और तमिलनाडु में टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम साइक्लोन यू शुड लिसन द वेदर फोरकास्ट रेगुलरली सो डेट यू बिकम अवेयर ऑफ साइक्लोन साइक्लोन से बचने के लिए क्या होता है कि वेदर फोरकास्ट वेदर की जो भविष्यवाणी होती है मौसम विभाग जो भविष्यवाणी करता है मौसम के बारे में बताता है उसको सुनते रहना चाहिए वेन द साइक्लोन हिट नेवर स्टैंड नियर टॉल ट्री टर्न ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज एज वेल एज क्लोज द डोर एंड विंडो और जब साइक्लोन आता है तो क्या करना चाहिए हमें गैस बंद कर देनी चाहिए इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज जो है इलेक्ट्रिक गज़ट जो है इलेक्ट्रिकल गज़ट जो हैं उनको बंद कर देना चाहिए और खिड़की के दर, वो घर के दरवाजे और खिड़की बंद करने ले, कर देनी चाहिए तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा नेचुरल क्लैमिटीज़ और उन क्लैमिटीज़ किस तरी क्या किसको कहते हैं और किस तरीके से हम उसको उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो रीड दिस चैप्टर हैव अ नाइस डे गुड बाय